हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम ब्लॉग, और मैं हूं प्रेम छत्रिया। तो दोस्तों, अभी मैं कोरबा में हूं और कोरबा से जा रहे हैं हम लोग रानी झरना। जी हाँ दोस्तों, रानी झरना काफ़ी, मतलब उसके बारे में काफ़ी सुना भी हूं यार, बहुत अच्छी जगह है बोल के। और मतलब जो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर ही है यार, काफ़ी अच्छी जगह। मतलब YouTube में सर्च करके भी देखा हूँ तो काफ़ी व्यू मतलब बहुत अच्छा है यार। तो वही सोच के ही मैं निकल पड़ा हूँ अभी। इस साइड देखिए पूरा ग्रीनी है, ग्रीन ग्रीन से भरा हुआ है शैवाल। अपने राइट साइड देखेंगे तो पूरा वॉटरफॉल की तरह आपको फीलिंग देगा। देखो भाई, नजारा भी काफी अच्छा है भाई। ये कौन सी जगह है भाई? ये आपका दर्री टेम्पल है। दर्री टेम्पल बोलते हैं भाई इसको। कोरबा है भाई, छत्तीसगढ़ कोरबा है ये। जो सामने आपको पुल दिख रहा है ना, रिटर्न होते समय हम उस पुल से रिटर्न टाइम उधर जाएंगे, है ना। हाँ तो अभी बारिश भी हुआ है तो काफी सारा पानी भी जा रहा है अभी, है ना। तो आने के टाइम में उधर से आएंगे ना, उस ब्रिज से। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। थोड़ा भाई इधर घूमेंगे अभी। तो अभी हम आए हैं जो कोरबा है छत्तीसगढ़, और हमारे साथ दो भाई भी है वो जो आगे जा रहे हैं। देखो क्या रोशन भाई, तो भाई अभी पहुंच चुके हैं जो रानी झरिया, रानी झरिया है ना। तो अभी पहुंच चुके हैं, तो अभी का रास्ता थोड़ा काफ़ी ख़राब है यार, क्योंकि बारिश का महीना है तो होगा ही। तो पूरा ऑफ रोड है, ऐसा ही रोड है ना। यार तो कभी आया नहीं हूँ, पहली बार है। छोटू भाई है मेरा जो सुमित है, वो यहाँ का ही है तो इसको ही पता है भाई। कुछ बाइक तो गया है ना इधर, लग तो रहे हैं। हाँ लग तो रहा है सही। तो अभी हम पहुंच चुके हैं और कुछ दूर बचा है, तो अपना जो बाइक है वो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ जो भाई लोग हैं, ये रोशन, नवीन, और इधर मेरा राजा भाई सुमित है। तो चलते हैं यार, अभी तो पैदल जाना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत है, रास्ता भी पूरा ऊपड़ खाबड़ जैसा रास्ता है। और आगे मेरा भाई कुछ बोलेगा। भाई तड़फड़ छत्तीसगढ़, तड़फड़ छत्तीसगढ़, मतलब ये फेमस है इधर का, है ना, तड़फड़ छत्तीसगढ़ भाई। तो भाई रास्ता तो आप लोग खुद देख ही रहे हो, किधर भाई, इस तरफ ना, इधर इधर राइट, राइट है ना। इधर देखो दोस्तों, पहुंच गए हैं कोरबा की खूबसूरती और खूबसूरत वादियों पे। सो मानसून आ चुका है दोस्तों, आप बाकियों की तरह उत्तराखंड जाना चाह रहे हैं क्या? लेकिन आप कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको कोरबा में आपको उत्तराखंड की फीलिंग दिलाते हैं। ऐसा है क्या? ओ भाई साहब, मतलब उत्तराखंड का
नजारा इधर छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिल रहा है ना भाई। बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। तो काफी तारीफ भी सुना था यार इस जगह के बारे में। आप तारीफ सुने थे, आप तारीफ देखो। हाँ हाँ, वही देखने के लिए तो मिल रहा है थोड़ा बहुत, और आगे जाने के बाद देखते हैं। ओ भाई साहब, अब करीब करीब आ चुके हैं यार। सही में यार, ये तो उत्तराखंड से भी बहुत बेहतर है यार, एक नंबर जगह है यार। रास्ता जो है अभी से शुरू होगा शायद, जैसा लग रहा है, मतलब पूरा रास्ता उधर खत्म हो गया है, तो इधर से आराम से चलना पड़ेगा। ओ भाई, बहुत मुश्किल रास्ता है यार, आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि देख ही रहे हो पत्थर ही पत्थर है पूरा। गो भाई, 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 भाई। तो यही तो मजा है भाई, जो जंगल में आने का वही तो एडवेंचर है। इसको तो बोलते हैं पहाड़ों में कुछ जादू है, मतलब बहुत बड़ा जादू है इधर यार। वो आने के बाद ही पता चलेगा, लोग फील कर नहीं पाते, जो वीडियो में देख के मतलब देख के जो महसूस होता है वो नहीं होता है। अगर रियल लाइफ में अगर देखोगे, आके देखोगे तो वही महसूस होता है भाई। तो आओ यार घूमने आओ इधर, कोरबा टूरिज्म प्रमोट करो, जल्दी आओ भाई। देखिए ये व्यू आपको घर बैठे नहीं मिल सकता। ये है कोरबा, ये है छत्तीसगढ़, आइए इसे एक्सप्लोर कीजिए। डर लगने लगा यार। वाओ, यहाँ को देख के आप एक ही चीज बोलोगे वाओ। ओ भाई साहब, अरे यार Thank you.
भाई काफी टाइम हो चुका है भाई, इतना बड़ा बड़ा पत्थर से पार करना पड़ रहा है यार। रास्ता भी तो जैसा है पूछो मत यार, पहाड़ का रास्ता ऐसा ही होगा यार, देख ही रहे हो। तो भाई झरने का आवाज तो आ रहा है यार, काफी सामने पहुंच चुके हैं और थोड़ी दूर चलना पड़ेगा। इधर रास्ता है भाई, हाँ भाई रास्ता तो पता नहीं चल रहा है। देखिए भाई गड़बड़ी नहीं है, आराम से तो गाइस पहुंच चुके हैं यार जो रानी झरना है। तो फ्रेंड्स आखिरकार पहुंच ही गए रानी झरना, देख रहे हो यार काफी अच्छी जगह यार, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा नजारा जो है, बहुत सुंदर है भाई यार, इतने मेहनत के बाद इधर पहुंचे हैं यार। तो ये है वो रानी झरना यार, क्या बोलूं यार, बहुत मेहनत के बाद इधर पहुंचे हैं भाई, बारिश भी शायद शुरू हो चुका है। तो ये है वो रानी झरना, काफी खूबसूरत नजारा यार, वाह भाई यार इतना ऊंचाई से पानी गिर रहा है भाई। तो फ्रेंड्स ये है वो रानी झरना यार, इसके लिए हम लोग इतना मेहनत करके आए हैं, फाइनली हम इधर पहुंच चुके हैं भाई। मेरा आवाज आ रहा है पता नहीं, पानी का आवाज काफी ज्यादा आ रहा है भाई। तो भाई थोड़ा सामने जाके देखते हैं यार, सामने का नजारा और भी अच्छा लगेगा, थोड़ा जाके कोशिश करते घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है यार, लेकिन थोड़ा संभल कर आना क्योंकि यार कंबल कोरोना के जो दोस्त लोग अभी जो बने हैं वो लोगों से थोड़ा मिलेंगे। तो भाई आपका नाम क्या है? रहने वाला हूँ और मेरा विशेष है कुरबा है और ग्राम है। और आपका भाई? भाई मेरा नाम है रामकुमार, हाँ 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 भाई मेरा नाम नागेश पटेल भैया, मैं पंडित पानी की बम भोले ठीक है भाई चंद्र पटेल साहब कर दो पास है। हाँ हाँ मेरा नाम है राजेश कुमार पटेल, मैं रहता हूँ मेरा नाम है नीरज पटेल, मैं रहता हूँ पूरी में। और मैं हूँ नवीन, आपके साथ आया हूँ। तो उधर भी कुछ दोस्त लोग भी बैठे हुए भाई। ये हमारे पांच दोस्तों का ग्रुप, इनके नाम है हमारे ग्रुप कहता है चीनी पेशाब। थैंक यू गाइस, लव यू।